हाय टू ऑल, वेलकम टू उर्मीज किचन। और आज मैं कुकिंग में खांडवी बनाने जा रही हूँ, जो कि गुजरात का एक स्पेशल नाश्ता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए चाहिए हमें 1 कप बेसन चाहिए, जो ग्राम फ्लोर होता है, और 1/2 किलो थैली मैंने लिए ये बटर मिल्क। और इसके साथ में ही बेसिक इसके यही इन्ग्रीडियंट्स हैं, और ये हरी मिर्च है पिसी हुई, और ये नमक, धनिया और हरी मिर्च कटी हुई, और थोड़ा सा इसमें जिंजर पेस्ट डालेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल में, एक किसी बर्तन में 1 कप बेसन ले लेंगे, और 1 कप बेसन है तो 1 कप दही, या आप 3 कप छाछ लेंगे, तो मैं इसमें 3 कप छाछ डाल रही हूँ पूरा। 1, देन अनदर 1, 2 एंड 3rd लास्ट। और अगर आप दही लेते हैं तो फिर इसमें 2 कप आपको पानी ऐड करना है। मैंने ये 1 कप बेसन के साथ 3 कप छाछ और तकरीबन 1/2 कप पानी डालूंगी मैं इसमें, वो बाद में। और इसमें ये हरी मिर्च का पेस्ट जो बना है डाल देंगे, और सॉल्ट ले लेंगे थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग। टर्मरिक भी डालेंगे, लेकिन उसको मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। थोड़ा सा इसे विस्क कर लेंगे, और इसे अच्छे से विस्क करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मेक श्योर देयर शुड बी नो लम्स एट ऑल। सो मिक्स इट वेल, सी। और बहुत ही जल्दी ये टर्मरिक डाल देंगे इसमें हम थोड़ी सी, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। सी, और ये अच्छे से इसे विक्स कर लिया है हमने, और अब मैं स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे कि अगर थोड़ा कोई और लम्स भी होगा तो वो निकल जाएगा। ये देखिए, खांडवी में बेसिक आपको ये याद रखना है कि इसमें गांठे नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि लम्स आपका नहीं आना चाहिए। तो मैंने ये स्ट्रेनर से इसीलिए स्ट्रेन कर लिया है, और अब बस इसे अब कुक करेंगे। डायरेक्टली हमने कुक करने वाले बर्तन में इसे स्ट्रेन किया था। सो गैस का फ्लेम ऑन करके और इसे इसके ऊपर रखते हैं। ये गैस का फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, और इसको धीमी आंच पे चलाते हुए आपको कुक करना है। इस तरीके आप स्पैचुला ले लें, तो इस तरीके से स्पैचुला या विस्क, जिससे आपने इसे विस्क किया था वो ले लें। राई हम छौंक में डालेंगे, राई या सरसों जो भी आपके पास हो। तो इसे लगातार आपको चलाते रहना है, चलाते रहिए लगातार। ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे इसे चलाते हुए, और अब मैं इसे अच्छे से विस्क कर ले रही हूँ। विस्क मीन्स चलाना है इसे विस्कर से, जिससे हमने इसे अच्छे से पहले मिलाया था, इसलिए ताकि इसमें कोई भी लम्स बिल्कुल नहीं आने पाए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके थोड़ा थक्के टाइप में हो जाना चाहिए। ये देखिए, और इसका कलर धीरे धीरे बिल्कुल चेंज हो जाएगा येलोइश। और ये देखिए, धीरे 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 इट टर्न्स नाइस येलो। ये देखिए, तो इसे मिक्स करते रहेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने, और अब इसे इसी तरीके चलाते रहेंगे। ठंडा पूरा नहीं होने देना है। एक थाली पे बैक साइड के ग्रीस करके इसको मैंने डाल दिया तकरीबन 1.5-2 चम्मच, और इस तरीके के फ्लैट सरफेस से आपको इसे इसे स्प्रेड कर देना है पूरी थाली के ऊपर। आप चाहें तो कोई भी नाइफ़ की बैक साइड से करें, बड़ा नाइफ़ हो तो। मैं ये, मेरा एक शार्प स्पैचुला है, ये उससे कर रही हूँ। ये देखिए, पूरी थाली पे आपको इस तरीके से पतला, एक पतली लेयर बिछानी है, और 5 मिनट देना है इसको आपको। 5 मिनट सूख जाएगा। और इसमें चौक लगाने के लिए कई लोग ताज़ा नारियल भी इसे कद्दूकस करके रख के चौक लगाते हैं। ये सेकंड मैंने स्प्रेड करा, और ये चौक मैं बना रही हूँ राई डाल के।
और थोड़ी सी हरी मिर्च। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई लोग नारियल कद्दूकस करके डालते हैं, वो रोल करने से पहले ही उसमें स्प्रेड करके, यानी को एज ए फिलिंग हो जाती है, वैसे भी आप बना सकते हैं चाहे तो मैं ये कट कर रही हूँ इस तरीके से। पहले आपको लंबी लंबी स्ट्रिप्स करनी है और सेंटर से इस तरीके से कर देना है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके थे तो मैंने ये आपको स्किप करके दिखाया है, तो ये रोलिंग हो रही है इजीली। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे रोल बना लेंगे आप। और खांड भी बहुत ही अच्छी लगती है, मीन्स इजी टू मेक नाश्ता है ये, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। सारी खांड भी इस तरीके से तैयार हो गई। दिस इज अनदर वन, ये लास्ट वन। तो ये देखिए कितने अच्छे रोल्स बने हैं, और ये छौंका मैंने इसके ऊपर डाल दिया था जो बनाया था, और हरी दरी से सजा दिया। ये आपकी खांडवी तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, कीप वॉचिंग।